अब नहीं पढ़ेंगे जमीन पर बैठकर नगर क्षेत्र में सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राइमरी में पढ़ने वाले सभी बच्चे, नए सत्र से फर्नीचर पर बैठकर होगी पढ़ाई। सीएम ने अपनी विधायक निधि से मुहैया कराया धन। 29, 30 और 31 मार्च को कोषागार के साथ साथ शासकीय कार्य करने वाले समस्त बैंक शाखाएं भी रहेंगी खुली, जिलाधिकारी ने दिए आदेश। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 42 गौवंशियों को काटने की थी तैयारी, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। एडीजी दावा शेरपा ने गोरखपुर जोन के कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। जिला जज और डीएम ने किया मंडली कारागार का निरीक्षण, डीएम ने कहा कैदियों की संख्या को देखते हुए कारागार के विस्तार की है जरूरत। विद्युत बिल जमा काउंटर पर लगा ताला, निराश उपभोक्ता लौटे वापस। हड़ताल के दौरान भी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा, खुलेंगे विद्युत बिल जमा करने के काउंटर। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कंबाइन हार्वेस्ट के साथ स्ट्रॉ रीपर विथ बाइंडर के प्रयोग को किया अनिवार्य। विटामिन डी की उपयोगिता पर डॉक्टरों ने रखे विचार, कहा सेहत सही रखनी है तो विटामिन डी और कैल्शियम जरूर लें। जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर मेले की बनी विजेता, 2 दिवसीय शैक्षिक मेले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने किया समापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के तत्वावधान में कैंसर विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार ने रखे अपने विचार। अखंड भारत के निर्माताओं की निकाली गई झांकी, अमूल्य योगदान पर लोगों ने किया इन महान विभूतियों को नमन। जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव में बिंदु, शत्रुघ्न संजय और संतोष हुए विजयी। 2 सदस्य रिंकी और कुसुम पहले से ही चुने जा चुके थे निर्विरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत चंपा देवी पार्क में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में होगा सामूहिक विवाह। आतिफ चैम को 40 रनों से हराकर रॉयल उद्यान की टीम पहुंची अंडर 12 आतिश क्रिकेट क्लब के फाइनल में। और आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने किया जिला क्रिकेट लीग पर कब्जा, फाइनल में नासा के एस टैलेंट को 9 विकेटों से हराया।